अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी में का एपिसोड नंबर आई फील लाइक इट्स 17 और इसमें आप सब लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग आए हैं, आप लोगों ने स्पेशली जो है वो मेरा शो क्लिक करके उसको देखा है। बट मेक श्योर कि आप इंगेज भी किया करें थ्रू कॉमेंट्स, ठीक है? कॉमेंट्स ज़रूर किया करें, उसमें मुझसे अपने सवाल पूछा करें मैं, ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब लूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक न्यू स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है, वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की है कि अगर आप लोग यू नो जिस भी सब्सक्राइबर को देखूंगी मैं कि वो कमेंट्स कर रहा है रेगुलरली मेरी वीडियोस पे, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को ही होगा। जो इंसान या जो बंदा मेरी वीडियोस पे मेरे शोज के अंडर जो है वो रेगुलरली कमेंट्स करेगा, ही विल गेट अ चांस और शी विल गेट अ चांस टू यू नो रिकॉर्ड अ शो विद मी। एक शो में जो है मैं उसको एज अ गेस्ट बुलाऊंगी, ठीक है? उसमें ज़रूरी नहीं है वो क्रिकेट के बारे में बात करें, उसका अपना इंटरव्यू हो सकता है या उसमें हम उनसे थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, उसके ओपिनियंस इन अबाउट डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, हैपनिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो खैर हम आज की अपनी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। देखिए आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जो है पाकिस्तान सुपर लीग के जो ग्रुप स्टेज के जो मैचेस हैं वो अपने अख्ताम को आ गए। अब क्या है, अब क्या मज़ीद ऐसा है जो हम पाकिस्तान सुपर लीग में देख रहे हैं? तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है सीज़न 9 वो अपनी एक ऐसी स्टेज पर जहाँ पर इसके नॉकआउट गेम्स हो रहे हैं। नॉकआउट गेम्स में होता क्या है कि आपने देखा क्वालिफायर हो गया जिसमें जो विनर था मुल्तान सुल्तान, दे स्ट्रेट अवे गॉट इन टू द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एलिमिनेटर वन में ये हुआ कि वो था क्वेरा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ये मैं आपको सारा समराइज करके बता रही हूँ ताकि अगर आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने अभी तक PSL जो है वो फॉलो नहीं किया उनको थोड़ी सी एक क्लियर इमेज मिल जाए, ठीक है? तो एलिमिनेटर वन था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेरा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, जिसमें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है दे जस्ट वन द मैच अगेंस्ट क्वेरा लाइक अ पीस ऑफ केक। दे वर सुपर ब्रिलियंट विद देयर परफॉर्मेंस एंड दे एक्चुअली वन दैट अ मैच बिकॉज ऑफ लाइक मतलब का आउट ऑफ नो वे ऐसा लग रहा था उनका क्लब लेवल टीम के साथ जो है वो मैच हो रहा है। तो इस तरह से क्वेरा के अगेंस्ट जीतकर उन्होंने अपना सफ़र जो है एलिमिनेटर टू में बुक करवाया और एलिमिनेटर टू में उनका मुकाबला था क्वालिफायर में जो टीम हारी थी यानी कि पेशावर जर्मी जिसके कैप्टन बाबर आजम है उनके साथ फिर उनका मुकाबला होना था। क्वालिफायर की लूजर टीम के साथ एलिमिनेटर वन के विनर का मुकाबला हुआ। एलिमिनेटर वन का विनर जो था वो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड था अंडर द कैप्टनसी ऑफ शादाब खान। अब जब पेशावर और यू नो इस्लामाबाद का गेम हुआ तो लग ऐसा रहा था कि पेशावर विन इट लाइक अ पीस ऑफ केक। जब उनको वो 5 क्रूशियल यू नो विकेट्स मिल गई थी तो सबको ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो यू नो ऑब्वियसली पेशावर जर्मी बैटिंग फर्स्ट पॉजिटिव टारगेट 147 लग ऐसा रहा था कि शायद 147 नहीं मेरा ख्याल से 170 था जो भी था 140 था समथिंग है थोड़ा सा डॉज हो जाती हूँ मैं यू नो 40 और 70s के दरमियान आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स द रीज़न बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो खैर जो उन्होंने टारगेट सेट किया था वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो चेजबल ना हो, ठीक है शायद चेजबल हो, बट व्हेन पेशावर जर्मी गॉट दोज यू नो 5 क्रूशियल विकेट्स कर्टेसी ऑफ साइम अयूब, ठीक है? साइम अयूब हैज़ बिन ब्रिलियंट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट एंड ही इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ अ फाइंडिंग जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी काफ़ी लंबे अरसे से। जो एलिमिनेटर टू था जब लगा ऐसे कि यू नो अब तो पक्का पेशावर जर्मी जीतेगी, कोई चांसेस नहीं है इस्लामाबाद के, इस मैच को निकाल ही नहीं सकता इस्लामाबाद, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। बट जो वो पार्टनरशिप लगी थी 6th विकेट पार्टनरशिप जो लगी बिटवीन इमाद वसीम एंड हैदर अली दैट वाज अ मैच विनिंग पार्टनरशिप, वो एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी। यानी कि जिस तरह से इमाद वसीम ने कैमियो बिल्ड किया और साथ में उनके पार्टनर हैदर अली ने हिटिंग का काम शुरू किया, वो चीज़ इतनी ज़्यादा यू नो जिसे कहते हैं कि अनबिलीवेबल आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ सिलेबस थी कि ना मुझे यकीन आ रहा था ना आपको यकीन आ रहा था। अब हैदर अली के बारे में अगर थोड़ा सा जो है जैसे कहते हैं डीपली बात करें तो वो बंदा अच्छा प्लेयर है, वो हमेशा से अच्छा प्लेयर है। इवन एक टाइम पे कहा जाता था कि ही इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आई स्टिल रिमेंबर द फैक्ट कि जब यू नो आकिब जावेद ने कहा था कि ही इज़ एक्चुअली बेटर देन बाबर आजम इन टी20, खैर उनकी बातों को सुनता कौन है, ठीक है मुझे तो हवा में मुझे लगता है वो छालते हैं बातें, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हैदर अली एक बहुत एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत है बट ही इज़ नॉट एबल टू सिर्फ यू नो कैश हिज पोटेंशियल द वे ही शुड। लेकिन उस टाइम पे जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद के लिए जो नॉक खेली 53 समथिंग ऑफ 29 बॉल्स था सिर्फ,
वो बहुत कमाल है, ठीक है। इससे ना सिर्फ उनको अपने आप को कॉन्फिडेंस मिला होगा, ठीक है, बल्कि उनके अंदर एक ख्वाहिश जागी होगी कि यार देखो अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मैं परफॉर्म क्यों नहीं करता। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती हैं। और इमाद वसीम, जिनको टूर्नामेंट के स्टार्ट में बाबर आजम के चैंट्स सुनने को मिलते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये कि किसी प्लेयर को ना उतना ही हेट दो जितना वो सह सके। अब आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि बाबर आजम के जितने भी फैन हैं, ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन लव बाबर आजम विदाउट हेटिंग ऑन एनी अदर प्लेयर, ठीक है, विदाउट हेटिंग ऑन एनी अदर प्लेयर। बाबर आजम के प्यार में, बाबर आजम के उस यू नो अपने आप को एक फ़ैन शो करवाने के चक्कर में आपका कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे यू नो सिर्फ प्लेयर को उसको डांटो, उसको डांट डपट करो, सिर्फ उसको ट्रोल करो। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हो ट्रोल करते हुए या हेट देते हुए कि जिस प्लेयर के आप फ़ैन हो, जिस प्लेयर को उसके मुकाबले में आप हेट दे रहे हो, उन दोनों का खुदा एक ही है, ठीक है। तो फिर खुदा तो फिर वक्त दिखाता है। अब ऑब्वियसली इसमें मैं थोड़ा सा डीप चली गई हूँ, बट यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट के इमाद वसीम ने जो नॉक खेली थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अब यहाँ पे बातें ये भी फ़ौरन से बातें तो शुरू हो जाती हैं कि नॉक के बाद के अब नेशनल टीम में लेके आया इमाद को। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, ठीक है, फॉर पाकिस्तान ही कैन बी समथिंग वेरी, क्योंकि ये वो बनता है जो आपको यू नो इफ इट्स अ वन डे टूर्नामेंट और इवन इट्स इफ इट्स अ T20 टूर्नामेंट, उसमें ही आपको बंदा जो है वो मिडिल में आके विकेट लेके देता है। और आपने देखा अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमारा जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि एक ड्रॉबैक था जिसे हमें पीछे रखा हुआ था, वो यही था कि हमें मिडिल ओवर्स में विकेट्स देने वाला कोई भी बॉलर नहीं था। बट इमाद वसीम कैन बी एन एसेट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ दोज मिडिल ऑर्डर विकेट्स। खैर बात ये हो रही थी कि यू नो अब हैदर अली और जो इमाद वसीम ने मिलकर नॉक खेली, उन्होंने वक्त से पहले जो ही है उन्होंने वो गेम निपटा लिया। एंड दिस इज हाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड गॉट देयर प्लेस इन द फाइनल्स। और उनका जो है अब फाइनल है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान ऑन मंडे। अब देखते हैं कि क्या वो मुल्तान सुल्तान को बीट कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ही थी। आई हैड सेट दिस इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो के लाइक इन द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट के जो सबसे ज़्यादा ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। उनकी बॉलिंग भी निपटी हुई है, उनकी बैटिंग भी निपटी हुई है और मतलब दे गॉट ऑल देयर बेसिस कवर्ड, ठीक है। बट जिस तरह से उनका टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ था दैट वाज नॉट सो इम्प्रेसिव, जिसकी वजह से दे हैड बीन स्ट्रगलिंग अ बिग टाइम, ठीक है, विद देयर फॉर्म। बट जिस तरह से वो कहते हैं ना कि एंड में अगर आपके कैमियोज वाले प्लेयर्स हों सो दे कैन डू अ लॉट फॉर योर टीम, वही हुआ। लेकिन मुल्तान सुल्तान का बात करें, ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है लेकिन उनके पास कैप्टन ही इतना अच्छा है, उनके पास लीडर ही इतना अच्छा है कि हर चीज़ निखर जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो फाइनल है HPL PSL सीजन 9 का, मुल्तान जीतेगा या इस्लामाबाद जीतेगा? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। बहुत एक्साइटिंग जो है वो फाइनल होने वाला है, एक एक्साइटिंग मंडे होने वाला है हम सब के लिए, आप लोगों के लिए, सारे क्रिकेट फैंस के लिए जो भी यू नो देखते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो दूसरी तरफ WPL वेमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल हुआ था बिटवीन RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड दिल्ली कैपिटल्स। RCB और दिल्ली कैपिटल्स का जो फाइनल हुआ था उसमें आई हैव बीन एब्सोल्युटली इन ऑ टू सी द क्राउड। 29,000 पीपल समथिंग were watching द मैच लाइव इन द स्टेडियम विच इज़ absolutely अमेजिंग। मतलब यहाँ पे आप पाकिस्तान सुपर लीग को देख लें, यहाँ पे नॉकआउट मैचेस में बाबर आजम जहाँ पे खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में कोई आपको मतलब अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये फील होने लगा है कि मैनेजमेंट के लोग क्रिकेटर्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर वॉचिंग द गेम इन द स्टैंड्स। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि ऐसी क्या वो स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। पैशन तो फिर हमारे अंदर भी है, तो उन बोर्ड की तरफ से क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं कि इतना उनका क्राउड जो है वो मैच देखना था, और वो भी लड़कियों का। अब लड़कियों का मैं एज ए टैबू या एज ए स्टीरियोटाइप यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि अगर उनका लड़कियों में इतना इंटरेस्ट है क्राउड का तो हमारे यहाँ लड़कों में क्यों नहीं है। नो दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी पॉइंटेड आउट विद टाइम टू टाइम, ठीक है।
मतलब दैट इज़ समथिंग वेरी 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 ऑसम, ठीक है। और जिस तरह से अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई और टीम होती नॉकआउट गेम में तो शायद उस तरह का रश नहीं होता, लेकिन बिकॉज RCB का मैच था और RCB ने कल जिसके लिए उनके फैंस बहुत ज़्यादा अवेटेड थे, उन्होंने वो ख्वाब पूरा किया। और जिस तरह से स्मृति मंधाना का एक बड़ा ही होलसम मोमेंट था विराट कोहली के साथ, वो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी शी वाज ऑन वीडियो कॉल विद विराट कोहली। वो चीज़ बड़ी जो है मुझे मेरे दिल को लगी, बींग विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस, आई एम लाइक ओ माई गॉड, ठीक है यार लाइबा, गेट दैट इन योर सेल्फ, गेट दैट इन साइड यू। तो खैर वो उन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव खेला। अब जरा मैच के बारे में बात करें, दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 114 रन्स, ठीक है, ऑल आउट हो गए थे वो लोग। अब जिस तरह का दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्ट लिया था, उनके ओपनर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मतलब दे एंडेड द पावर प्ले 61-0, आई फील लाइक, मतलब 64-0 इसी तरह का होगा। अब यहाँ पे लगा ऐसे कि जैसे दिल्ली कैपिटल्स मैच को ले जाएगी, क्योंकि मे बी देवर ऑन अ रोड टू पोस्टिंग अ वेरी ह्यूज टारगेट, ठीक है। लेकिन जिस तरह से फिर RCB की बॉलिंग को वो एक बूस्ट मिला और फिर जो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की एंड दे रिस्ट्रिक्टेड दिल्ली कैपिटल्स टू पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 114 रन्स, दैट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड समथिंग टू अप्रिशिएट अगेन एंड अगेन, ठीक है। यहाँ पे अब आप कह सकते हो, थोड़ी सी सिमिलैरिटी दे सकते हो विद कि जिस तरह से ये फाइनल था ODI वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अगर आप देखो तो उन्होंने अपने कैंपेन का स्टार्ट किया था, वर्ल्ड कप की जो उनकी कैंपेन थी मेंस की, दे स्टार्टेड द कैंपेन विद 2 straight losses, राइट। बल्कि इंडिया को आप अगर आप देख लो उसी तरफ, तो इंडिया जो है वो बैक टू बैक मैचेस जीता जा रहा था और ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं आ रहा था, एंड दे एंडेड अप लूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल मैच, यानी कि जिसके लिए व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट वो वाला मैच वो लोग हार गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये देखना है कि उसी तरह से अगर RCB का देखा जाए तो उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, उनके हैप्पी मोमेंट्स भी थे, उनके सैड मोमेंट्स भी थे, एंड दे वर जस्ट इन बिटवीन द कन्फ्यूजन कि वो क्या कर रहे हैं। बट नाउ दे एंडेड अप विनिंग द ट्रॉफी, दे एंडेड अप हैविंग गेटिंग एन ऑरेंज कैप अलॉन्ग विद द पर्पल कैप, ठीक है। इसका मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर भी उनकी टीम में से निकला और हाईएस्ट विकेट टेकर भी उनकी टीम में से निकला और चैंपियंस भी 2024 के वही रहे, ठीक है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ग्रुप स्टेज मैचेस सारे जीते थे, लेकिन फाइनल में आके वो लोग चोक कर गए। यहाँ ओपनर्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे थ्रू आउट, जिस तरह से शिवाली वर्मा ने एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया अपनी टीम को, लेकिन वही बात है टारगेट उन्होंने बहुत कम पोस्ट किया था, तो इसी वजह से RCB वन इट लाइक अ पीस ऑफ केक। अब RCB का भी मैं बताऊँ तो उन्होंने भी पीस ऑफ केक की तरह ही नहीं आ रहा, RCB में भी पाकिस्तान टीम की थोड़ी सी रूह घुसी हुई है। वो इस तरह से कि RCB का भी एक टाइम आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैच फंस गया है, लेकिन जिस तरह से उस एलिसा पेरी ने नॉक खेली यार, मतलब वो बंदी मेरी फेवरेट है, शी इज़ माय फेवरेट वुमेन्स क्रिकेटर, वन ऑफ माय एक्चुअली फेवरेट वुमेन्स क्रिकेटर। उस बंदी ने इस पूरे सीजन में हर इम्पॉर्टेंट नॉकआउट मैच में परफॉर्म किया है, ठीक है, हर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर स्मृति मंधाना को मैं कहूँगी कि वहाँ पर उन्होंने इतने नॉकआउट गेम में जो है वो 39 of 31 किया, इतना कोई जिसे कहते हैं कि एक उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने अपनी टीम को एक स्टेक पे डाल दिया था। बट अगेन एलिसा पेरी जो है ना, इस बंदी ने प्रूव किया कि ये किस लिए टीम है, और इसने अपनी गेम टीम को ये मैच जितवा दिया। मतलब शी इज़ फिनोमिनल, दिस इज एलिसा पेरीज वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लविंग इट। शी इज़ हैविंग लाइक 2 ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफीज, शी इज़ हैविंग 6 T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज, शी इज़ हैविंग टू विमेंस बिग बैश लीग्स अवार्ड, मतलब ट्रॉफीज ही कह लो, फिर एक इनके पास वेमेन प्रीमियर लीग का भी अब ट्रॉफी जीत गई RCB की तरफ से, उसके अलावा इनके पास 13 domestic trophies, गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ना सिर्फ वो बल्कि शी इज़ ऑल्सो गॉट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड, ठीक है, ODI क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड, नॉट अ जस्टिस, यहाँ पे भी इनको फुल स्टॉप नहीं लगता, बट शी इज़ ऑल्सो गॉट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड। मतलब शी इज़ अ बीस्ट, शी इज़ एब्सोल्युटली अ बीस्ट इन दिस गेम। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने क्रिकेट में प्रेजेंट किया, बट शी इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ऑस्ट्रेलिया इन फुटबॉल। मतलब यार शी इज़ काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द गर्ल्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ।
तो इस तरह के रोल मॉडल, इस तरह के यू नो इंस्पिरेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने गोल्स अचीव और करने में और डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। खैर, ये था मेरा आज का रिव्यू और इसी के साथ मेरा आज का एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाकर इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि HBL PSL सीज़न 9 का चैंपियन कौन होने वाला है। दिस इज़ लाइबा बसी साइनिंग ऑफ।